ये संदेश उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, उत्तराखंड के माननीय पशुपालन मंत्री जी श्री सौरभ बहुगुणा जी और उत्तराखंड के पंचायती राज मंत्री श्री सतपाल महाराज जी के लिए है, खास केदारनाथ के ट्रैक से। मेरा नाम गौरी मौलिक ही है। यहाँ पर हमारी देवभूमि में हमारे चारों धार्मिक स्थल, जो हमारे चार धाम हैं और कैलाश मानसरोवर की यात्रा है, उसके अलावा हेमकुंड साहिब है, इनके यात्राओं के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले घोड़ों के संबंध में क्रूरता हर साल बढ़ती चली जा रही है। एक बीमारी है जिसका नाम है ग्लैंडर्स। ये एक लाइलाज बीमारी है जो नोटिफाइबल है इन्फेक्शियस एंड कंटेजियस डिजीजेस एक्ट 2009 के अंतर्गत। इसमें अगर यदि किसी घोड़े को हो जाती है तो घोड़े से इंसान में होने की संभावना बहुत प्रबल होती है और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से मौत निश्चित होती है। ये बीमारी उत्तराखंड, यूपी वगैरह राज्यों में काफ़ी बड़ी मात्रा में फैली हुई है, लेकिन बीसियों हजार घोड़ों को उत्तराखंड में काम करने के परमिशंस हम फ्री में बांटे जा रहे हैं और हमने अभी तक पशुपालन विभाग के माध्यम से ये निगरानी की कोई व्यवस्था ही नहीं बनाई कि हम किसी घोड़े का टेस्ट कर लें ग्लैंडर्स से। यहाँ आज केदारनाथ में 10,000 से अधिक घोड़े चल रहे हैं, एक का भी ग्लैंडर्स टेस्ट नहीं हुआ है। पिछले कुछ दिनों में 400-500 पता नहीं कितने घोड़े मर चुके हैं, जिनकी लाशें हमारी पवित्र नदी के बगल में ऐसे ही फेंकी हुई हैं और छिछली कब्रों में दबाई हुई हैं और वहाँ कीड़ों पे कीड़े पड़े हुए हैं। वो क्या इन्फेक्शन फैला रही हैं, क्या यहाँ पे घोड़ों के नेजल डिस्चार्ज से आने वाले यात्रियों को अपनी ज़िंदगी संकट में डालनी पड़ रही है। अगर हफ्ते 10 दिन बाद उनको तबीयत ख़राब हो, उनको पता भी नहीं चलेगा कि वो ग्लैंडर्स से ग्रसित हैं, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने अभी तक कोई टेस्ट किया ही नहीं है। अब भारत सरकार ने भी परसों एक पत्र के माध्यम से चीफ सेक्रेटरी को ये गुजारिश करी है कि वो ग्लैंडर्स के टेस्ट कराएं घोड़ों के और इतनी बड़ी मात्रा में बीमारी को ना फैलने दें और धार्मिक स्थल पे आने वाले यात्रियों की जिंदगी की सुरक्षा करें, लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई भी कदम नहीं उठाए गए। अधिकांश घोड़े उत्तर प्रदेश से लाए जाते हैं, बिजनौर, नजीबाबाद, सहारनपुर वगैरह से। इनका न क्वारंटीन होता है जो ऋषिकेश में, पशुलोक में होना चाहिए, ना इनकी टेस्टिंग होती है, ना इनका कोई वैक्सीनेशन होता है, ना इनका कोई एक्लिमेटाइजेशन होता है कि ऊंचे पहाड़ पर आने से पहले इनको, इनके लंग्स को, इनके फेफड़ों को यहाँ की हवा की आदत थोड़ी सी पड़ जाए 10-5 दिन, ना इनका कोई एंड्योरेंस टेस्ट होता है जिससे ये देखा जाए कि कहीं इनको दिल का दौरा तो नहीं पड़ जाएगा अगर ये इतना बोझ लाद के इतना ऊपर चलते हैं तो। क्यों यहाँ पे हम पर्यटकों की, यात्रियों की, श्रद्धालुओं की जान को खतरे में डालते हैं? इस वर्ष 60 लोग मर चुके हैं, कभी कोई घोड़े से टपक जाता है, कभी किसी को घोड़े से धक्का लग जाता है, कभी पता नहीं कितने लोग घोड़ों से बीमारियां लेके यहाँ से लौटे हैं। क्या हम चुप बैठे रहेंगे और देखते रहेंगे कि हमारे धार्मिक, हमारे सबसे पवित्र स्थल, हमारी देवभूमि के इस तरह बर्बाद हो जाएं कि यहाँ पर लीद ही लीद, धक्का मुक्की, घोड़े ही घोड़े और बदबू ही बदबू फैली रहे और हम यहाँ पे चुपचाप इस कमर्शियल एक्टिविटी को, जिला पंचायत के द्वारा की जा रही गंध को हम चुपचाप सहते रहें? और ना ही प्रदेश सरकार इस पर कोई पॉलिसी बना रही है, ना ही प्रदेश सरकार भारवाहक पशुओं के लिए कोई नियम नोटिफाई कर रही है, ना ही यहाँ नाल ठोकने वालों के कोई नियम है। बिल्कुल ही अराजकता फैली हुई है इस ट्रैक पर। जब आप यहाँ पे पैदल आएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे चलना कितना मुश्किल है। आपका पैर कभी किसी की लाश पे पड़ता है तो कभी किसी के गोबर में पड़ता है। यहाँ पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का बिल्कुल प्रेजेंस ही नहीं है। पॉलिथीन से लेकर, पॉटी से लेकर, सब चीज, जितना सीवेज है, सबका गंध हमारी धार्मिक नदियों में जा रहा है। नीचे वहीं पे गौरीकुंड में लोग उसी पानी में नहा रहे हैं। मतलब ये क्या मजाक है? प्लीज आप इसको रोकिए, अन्यथा वैसी ही हमारे ऊपर प्रकोप बाबा दिखाएंगे जैसा उन्होंने 2013 में दिखाया था। भगवान ना करे।